मैं जा रही हूँ पत्ता गोभी के पकौड़ी बनाने, जो मिक्स करके बनाऊंगी पत्ता गोभी आलू और प्याज के पत्ते डालकर, तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने धो के काट ली है। और ये हमने आलू काट लिए इस तरह से लंबी लंबी भुंजा की टाइप पर। मैं इसे में डाल देती हूँ। ये प्याज वाली पत्ती है, मतलब पत्ता है जो हमने इस तरह से काट ली है प्याज के पत्ता को। और ये हरी मिर्ची है जो थोड़ा पक गई है। और ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाई हमने, इसी में डाल देती हूँ। के ऊपर 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल देती हूँ। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच में कहा होगा डालो, 1 चम्मच होगा नहीं, हल्दी पाउडर में ज़्यादा। नमक, लाल मिर्च, रेवाड़ी एक्शन का डब्बा में रखा हुआ है, ज़्यादा तीता हो जाएगा, रहने दो ज़्यादा मिर्ची नहीं, स्पाइसी कम। फिर से ये गरम मसाला का पाउडर, बोल स्वाद के अनुसार नमक, बस। कितना बेसन डालेंगे? इससे अंदाजा डालेंगे कितना होता सामने भर। हमने चनक बेसन है, हम डाल लेते हैं। और बेसन डालते हैं, डाल रहे हैं, छोड़ दीजिए ना, हटाइए ना। पानी से सान लेती हूँ, ज़रा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सानना है ताकि गीला ना हो जाए। डाल देना तुरंत बना के। कढ़ाई गरम हो गई है और जो रिफाइन है पैकेट, इसमें डाल देती हूँ तेल को। गंगुरिया तो कैसे डालिए? तेल हमारा गरम हो चुका है। और आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं पकौड़ी, जिस तरह से खाने का मन है मतलब उस तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से गोल बनाएं, आप चाहें तो इस तरह से चाकर करके इस तरह से बनाएं, आपको जिस तरह की मर्जी उस तरह से बनाइए। ये पकौड़े तैयार हो गया। ये मतलब थोड़ा और होगा, अभी पूरा ब्राउन नहीं हुआ है। ये एकदम क्रिस्पी हुआ है, पूरा क्रिस्पी है, कोई सॉफ्ट नहीं। तो हमने 2 बार निकाल लिया, आप देख सकते हैं। और जो भी बचा हुआ है वो मिक्स पकौड़ी जो बन रही है हमारी, इसी तरह सेम टू सेम बन जाएगी, वैसे ही डाल करके। तो आप भी इस तरह घर पे बना सकते हैं। जो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट पड़ा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लोग खाने में लग रही है। तो आप घर पे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है ये, और खाने में भी अच्छी लगती है। तो देखते रहिए और खाते रहिए। आप इस तरह से बना करके हमने टेस्ट कर लिया है, बहुत अच्छी है खाने में। तो फिर रानी तो बना रही है, अभी खाई नहीं है, ये भी खाएगी अभी बंद आने के बाद, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो दोस्तों।